के भी इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आए हैं, पर टाइटन थोड़ा चल भी चुका है, तो क्या बहुत हद तक प्राइस में है? मूवमेंट ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है स्टॉक, या अभी भी इसमें चाल बाकी है? टाइटन के बिजनेस अपडेट्स और साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने हालांकि एक जो रिपोर्ट दी है टाइटन पर, उस पर तो उनका व्यू थोड़ा सा अलग है, लेकिन आज टेक्निकल के लिहाज से किस तरह से इसे ट्रेड करना चाहिए? मितेश, टाइटन पर क्या आप करेंगे? डेफिनेटली अगर टाइटन की बात करें तो स्टॉक्स में रिसेंटली जो अप मूव आया है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि लोअर एंड से अराउंड 3150 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 3230 का वो क्रॉस हुआ है विथ वॉल्यूम। तो पिछले 2 दिन की एक्टिविटी देखे तो बहुत प्रॉमिसिंग है। हमारे हिसाब से करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 3350 का जो रिसेंट हाई था, दूसरा रहेगा 3400 का, और स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको लगाना है 3170। सो 3170 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी है। पहला टारगेट 3350, दूसरा टारगेट 3400। टाइटन की बात हो गई, एक और स्टॉक जिसके ऊपर फोकस आ रहा है वो है नायका। हालांकि वो ये सब्जेक्ट जो है प्रियंका जी का बड़ा क्लोज है, कॉस्मेटिक्स, सोनी जी का, सोनी पटनायक भी हमारे साथ हैं, कॉस्मेटिक्स, स्पेशली फेस्टिव बाइंग हो रही है, हम लोग सब एक दूसरे के घरों में जाते हैं, फेस्टिवल में घूमते हैं बाहर, नायका का स्टॉक लेकिन कोई भी पॉजिटिविटी अभी तक नहीं दिखा रहा। लेकिन आज सोनी पटनायक में आपसे पूछूंगा ये सवाल, क्योंकि इसमें दो सवाल हैं। एक, आप नायका से शॉपिंग करती हैं कॉस्मेटिक्स की, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? और दूसरा, क्या आप स्टॉक खरीदेंगी इस भाव से, क्योंकि एक ब्रोकरेज कह रही है कि नेक्स्ट 30 दिन में बहुत जोर की रैली आ सकती है इसमें। जी एक्चुअली अजय जी, सच कहूँ तो आज तक मैंने नायका से कभी कुछ शॉप किया नहीं है, इतना अच्छा, मेरा शौक नहीं है कुछ शॉपिंग करने का। इतना आई एम नॉट एक्सपीरियंस एज अ कंज्यूमर, ओके, बट स्टॉक की बात करेंगे टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो आई थिंक कंसोलिडेशन मोड में है, जो काफी दिनों से दिख रहा है। अराउंड 4-5 डेज एक कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे ख्याल से 140 to 150 उसका एक रेंज है, तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर वो 151 के ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड ऊपर की तरफ आपका इसका टारगेट रहेगा 160 164 के तरफ भी जा सकता है नीचे के साइड में। बट अगर ब्रेकआउट नहीं देता है और वो यू नो ब्रेक कर देता है 140 का, उसका जो अहम सपोर्ट है 145 140 का बैंड ही है आप समझ लीजिए, बट 140 के नीचे ब्रेकआउट देता है तो मेरे ख्याल से और भी थोड़ा वीक हो सकता है। इसी रेंज पे आप ले कीजिए, और मेरे ख्याल से थोड़ा मेरा वेटेज रहेगा कि वो ऊपर के साइड में ही ब्रेकआउट देगा 152 के ऊपर, इसका अच्छा बाइंग आ जाएगा। आई नो ग्रीन।